हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लांट हार्मोन की सीरीज़ में हमने दो हार्मोन कंप्लीट कर लिए थे, साइटोकाइनिन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में साइटोकाइनिन का ऑलमोस्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, केवल मोड ऑफ एक्शन रह गया था। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक्चुअल में जो जितने भी प्लांट हार्मोन हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्ले करते होंगे किसी भी मतलब किसी न किसी प्लांट में या फिर प्लांट्स में, राइट। तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पे क्या ऐसा चेंजेस आते हैं या कैसे वो एक्ट करता है, उसी को मोड ऑफ एक्शन के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे लेकिन समझने वाला बहुत है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना। MCQs के लिए हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के तौर पे कि एक्चुअल में हार्मोन जैसे एनिमल हार्मोन काम करते हैं, कुछ कुछ क्या वैसे ही ये भी प्लांट हार्मोन भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन, राइट। काइनेटिन कहते हैं, अब दोबारा रिविजन नहीं करा रही आप, उसके लिए प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कि उसमें साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है या कौन सा पाथवे फॉलो करता है बायोसिंथेसिस के लिए, स्ट्रक्चर क्या है, डिस्कवरी क्या थी, एक्सेट्रा। आज केवल मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे और ये साइटोकाइनिन का लास्ट लेक्चर है। ओके, देन स्टार्ट विद मोड ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि साइटोकाइनिन का नाम जो रखा गया था वो सेल डिवीजन में, क्योंकि वो एज अ मेन प्लेयर काम कर रहा था। ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है किसको, या कहें प्रोमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो सेल साइकिल है, ठीक है, उसमें क्या दो तरह के सेल साइकिल के दो पार्ट हैं, क्या एक तो कैरियोकाइनेसिस, ठीक, या सेल साइकिल के दो पार्ट भी ना गए, सिंपल है। सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो वो दो स्टेप में होती है, कैरियोकाइनेसिस दैट मींस न्यूक्लियस डिवीजन एंड द सेकेंड वन इज द साइटोकाइनेसिस दैट मींस सेल डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब अमाउंट दो डॉटर न्यूक्लियाई या फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, अब वापस आते हैं कि ये जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है वो ऑफकोर्स सेल साइकिल को, जब सेल साइकिल के दौरान न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का वो डिवाइड होता है। ठीक है, अब जरा एक बार फेज पर नज़र डालते हैं कि एक किसी भी सेल साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं। चार फेजेस होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अगर यही बता दूंगी तो फिर मोड ऑफ एक्शन क्या बताऊंगी। जी1, जैसा मालूम है आपको, जी1 होती है, एस फेज होती है एंड जी2 फेज है, देन लास्ट वन इज एम फेज। ठीक है, ये तीनों प्रिपरेटरी फेज कहलाती हैं, ये वाली एक्चुअल में डिवाइडिंग फेज है। ठीक है, लेकिन होता इन चारों में ही क्या, न्यूक्लियस डिवाइड है। ठीक है, जब एम फेज आ जाती है, यानी कि जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीरोफेज है, उसके बाद में, ठीक है, सेल डिवीजन आता है, राइट। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये जो G2 टू M ट्रांजिशन है, राइट, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो साइटोकाइनेसिस होगी, तभी तो जब डॉटर सेल्स बनेंगे, तो यानी कि यहाँ पर तो साइटोकाइनिन का एक्चुअल में एक्शन सेल डिवीजन में क्या हो रहा है कि वो G2 टू M ट्रांजिशन जो है, राइट, M दैट मीन्स माइटोसिस या फिर मियोसिस जो आगे होने वाली है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जिसकी सिंथेसिस, एस मींस सिंथेसिस फेज, दैट मींस डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, डबल अमाउंट में डीएनए कंटेंट उपलब्ध है अभी सेल के पास, लेकिन और यहाँ पर जी2 में क्या हो रहा है, सारी चेकिंग हो रही है। ठीक, कि जितना भी रेप्लिकेट किया गया है क्या सेल ने सही से रेप्लिकेट किया है, कोई एरर तो नहीं रह गई है, मिस्टेक तो नहीं रह गई है। तो जब ये G2 में भी ये काम हो जाता है, फिर इसको कौन प्रमोट कर रहा है कि अब डिवाइड करिए, सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, पेरेंट के सेल के जैसे ही अब जो फर्दर डॉटर सेल्स बननी है वो बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल किसने दिया, साइटोकाइनिन ने, राइट। इसी तरह से हम एग्जाम्पल इसी का ले रहे हैं कि सेल डिविजन में भी अगर इसको एक्ट करना होता है तो ये कैसे करेगा। ठीक है, या और भी जो परफॉर्मेंस है, चाहे सेल इलॉन्गेशन का हो, चाहे सेल डिफरेंशिएशन का हो, कैलस फॉर्मेशन का हो, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर हार्मोन अगर सिग्नल ट्रांजैक्शन की बात करें, जीन एक्सप्रेशन की बात करें, तो उसमें भी मेन प्लेयर की तरह काम करते हैं।
ये बेसिकली जो साइटोकाइनिन है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी करता है, ठीक है, कुछ कुछ इवेंट्स में करता है, बहुत ज़्यादा नॉन नहीं है, लेकिन एज अ दिमाग में याद रखने के लिए या फिर एमसीक्यूज के लिए एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन में या पीटीएम में, ठीक है, कौन ऐसा हार्मोन है जो रोल प्ले करता है, दिस इज द साइटोकाइनिन, ठीक है। पीटीएम ये वर्ड याद रखिएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन दैट मीन्स एमआरएनए बन चुका है, उसके बाद के जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन वाला स्टेप, ठीक है, उससे पहले जो मॉडिफिकेशंस होते हैं एमआरएनए में, उनको कौन परफॉर्म करता है, पीटी मतलब कि साइटोकाइनिन उसमें भी हेल्प करता है, ठीक। नाउ मोड ऑफ एक्शन की बात करें, ये जो अब की ये वाला है, ये जो ये एक्शंस हैं या ये फिजियोलॉजिकल रोल है, इसके अलावा भी जितने फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस जो फिजियोलॉजिकल वर्क कर रहा है साइटोकाइनिन प्लांट में, वो कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, कुछ चीज़ें याद रखें कि जो साइटोकाइनिन है वो बेसिकली फॉलो करता है बैक्टीरिया का टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट दैट मीन्स कि कोई उसमें टू कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि दो कंपोनेंट होंगे, राइट। एक कंपोनेंट क्या है कि वो सेंस करता है, सेंसर वाला काम, ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट सेंसर का काम करता है। दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्ड करने का काम करता है, ठीक है। सेल को कैसे पता चलेगा, हमारे जैसे उसके पास लैंग्वेज नहीं है, उसके पास जो भी लैंग्वेज है वो किसकी है, मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। तो वो ही सेंसर डोमेन या सेंसर, एक जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेंसर की तरह बिहेव करता है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्स या फिर रिस्पॉन्ड करने वाला जो काम कर रहा है वो सेकंड कंपोनेंट करता है। होता क्या है, दोनों में ही रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे, और अगर सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, राइट। आप जरा फर्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और दूसरा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, राइट, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर। स्टार्ट विद फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट जैसे मैंने बताया कि इसमें भी दोनों में रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट दैट मीन सेंसर की बात कर रहा है, सेंसर दैट मीन सेंस करना, ठीक। सेंस किसको, साइटोकाइनिन के मॉलिक्यूल को, ठीक। ये या तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो या तो मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यानी कि सेल के आउटर सरफेस पे, ठीक, या फिर ईआर दैट मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ठीक। ये वाला जो रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जो ईआर या पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, मैंने बहुत शॉर्ट यूज़ किया है लेकिन आप सभी शायद अवेयर होंगे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम इसका शॉर्ट फॉर्म या है तो वो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये है बेसिकली रिसेप्टर, ठीक, किसका, साइटोकाइनिन का रिसेप्टर। ये बिहेव कैसे करता है, बैक्टीरियल के टू कंपोनेंट सिस्टम की तरह। बैक्टीरिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ग्रो करा रहते हैं, ठीक है, किसी कल्चर में, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब बैक्टीरिया कैसे सेंस करेगी, खुद कैसे पहचानेगी और दूसरों को कैसे पहचानवाएगी, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है, उसके पास सेंसर्स होते हैं और उसके बाद वो रेस्पॉन्ड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, और वो काम किस पे करते हैं, हिस्टिडीन काइनेज एक तरह के रिसेप्टर्स हैं, उनके ही उनके बेसिस पे ही बिहेव करते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिसेप्टर्स बना रखे हैं उसमें एच लिख रखा है, एच बेसिकली अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये भी हिस्टिडीन काइनेज की तरह ही बिहेव करते हैं। काइनेज दैट मीन्स, आप लोग एंजाइम को पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, एज लगा हुआ है, एंजाइम की बात हो रही है, ठीक। जहाँ कहीं भी वर्ड काइनेज आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो काम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, ठीक है, फॉस्फोराइलेट करते हैं किसको, टारगेट प्रोटीन को। तो ये भी, ये जो रिसेप्टर है बेसिकली हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक। होता क्या है कि जैसे ही साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल एंटर किया, ठीक, ये जो जाहिर सी बात है ये रिसेप्टर कोई नई चीज़ थोड़ा ना है, प्रोटीन्स ही तो हैं, जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रखा है उसमें जो प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होती है वैसे ही है। तो ये प्रोटीन, अब प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है कि अमीनो टर्मिनस होगा, एक साइटोसोलिक मतलब सॉरी कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे NH2+ वही चीज़ बना है, कोई बैटरी नहीं है, ठीक। तो ये सेंस करता है, जैसे ही साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल आया इसने सेंस किया, इस रिसेप्टर ने,
इस रिसेप्टर का जो सेंस करने वाला पार्ट है उसको चेज डोमेन या सेंसर डोमेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अब इसकी कौन सी काइनेज एक्टिविटी इस रिसेप्टर की एक्टिवेट हो जाती है, काइनेज एक्टिविटी जैसे ही एक्टिवेट होती है तो ये क्या करता है कि अपने ही एस्पार्टेट, ठीक है, ये जो डी है ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्पार्टेट का जो मॉलिक्यूल होता है उसी प्रोटीन के पास, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या गया है कि जो रेजिड्यू होता है एस्पार्टेट जहाँ पर, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक होता है, वहाँ पर जाकर के फॉस्फोराइलेट कर देगा पहले अपने आप को, ठीक। उसके बाद में क्या करता है कि एक और प्रोटीन है, जब खुद को फॉस्फोराइलेट कर दिया उसके बाद डायमेरिक प्रोटीन होती है, दोनों को ही फॉस्फोराइलेट करेगा, और जो फॉस्फोराइलेट होता है वो डोमेन कहलाता है रिसीवर डोमेन। इस तरह से भी कह सकते हैं इसने सेंस किया और इसने रिसीव किया, क्या सिग्नल, किसका सिग्नल था, वो साइटोकाइनिन यानी हॉर्मोन का सिग्नल था। उसने क्या किया कि एक और प्रोटीन होती है, साइटोसोलिक प्रोटीन है, जैसे AHP कह रहे हैं, ये AHP ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्कवरी इन अ प्लांट कॉल्ड अरबिडोप्सिस, ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली का है, ब्रैसिकेसी का मेंबर, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम लिया अरबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फेट ट्रांसफरिंग प्रोटीन, ठीक है, उसी के बेसिस पे इतना नाम भी याद रखिए, बस सिंपल है, ऐसे याद रखो कि एक रिसेप्टर है, उसने सेंस किया, जो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर था, उसने सेंस किया, उसने अपना जो आप इसके पास चूंकि काइनेज एक्टिविटी इसकी एक्टिवेट हो गई है तो उसने क्या किया, ट्रांसमीटर प्रोटीन को जाके फॉस्फोराइलेट किया। अब ये ट्रांसमीटर प्रोटीन क्या करती है, मूव कर जाती है न्यूक्लियस में। अभी ये सारा काम कहाँ हो रहा था, साइटोसोल में हो रहा था, अब जब ये मूव करके पहुंची न्यूक्लियस में, तब इसने क्या किया, यही जो AHP प्रोटीन होती है वहाँ पे ये जो अब सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट होता है, जो कहाँ पे प्लेस है, न्यूक्लियस में, ठीक। इस न्यूक्लियस में जाने पर वहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ इसी तरह से रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं, उनके पास भी एक इनपुट वाला होगा सिस्टम जहाँ पे जाकर के ये जो ट्रांसमीटर प्रोटीन थी ये जाकर के इसके पास भी काइनेज एक्टिविटी होगी, ठीक। तो ये क्या करती है, फॉस्फोराइलेट कर देती है अगेन एस्पार्टेट रेजिड्यू पर, इस न्यूक्लियर रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देती है। ये फॉस्फोराइलेट करने की वजह से ये क्या करता है, फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे न्यूक्लियर रिसेप्टर के पास, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर अगेन फॉस्फोराइलेट हो जाता है और ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब ये एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देना, ठीक है। कभी भी ट्रांसक्रिप्शन ना ही तो पूरी तरह से अपरेगुलेट होता है, मतलब एकदम ना ही तो क्लोज ऑन ऑफ स्विच वाला सिस्टम नहीं, अपरेगुलेट या फिर डाउन रेगुलेट, ठीक। तो ये जब इसको भी मतलब जो टाइप ए बेसिकली ये सेकेंड कंपोनेंट का हिस्सा है जिसमें दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, उनको भी दो कैटेगरी दी हुई है, टाइप बी टाइप ए। जो पहले जिस पे फॉस्फोराइलेशन होता है उसको टाइप बी कहते हैं, जिसके जो टाइप बी है वो फर्दर टाइप ए को फॉस्फोराइलेट करता है, जो कि एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब फॉस्फोराइलेट हुआ, दैट मीन्स एक्टिवेट हो गया, ये जाता है उस पर्टिकुलर जीन को जिसको साइटोकाइनिन का रिस्पांस देना है, ठीक। उससे क्या हुआ कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक, किसको, ट्रांसक्रिप्शन की जो एफिशिएंसी है इसको बढ़ा देगा। उससे क्या हुआ कि mRNA बना, ठीक। अब mRNA से कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, ये एंजाइम क्या मूव करके कहाँ जाएंगे, साइटोसोल में जाएंगे, ठीक। और वो एंजाइम कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए G2 to M ट्रांजिशन करना है, ठीक है, तो फॉस्फेटेज हो सकते हैं या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हो सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोटीन बेसिकली वही बन रही है, यही मान लीजिए, ठीक है, या सिंपल है यहाँ पे हो सकता है कोई काइनेज हो, कोई फॉस्फेटेज एंजाइम हो, वो जाकर के क्या करता है, इस फेज जो ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, जिसको साइटोकाइनिन प्रमोट कर रहा था उसी को जाकर के उस पर्टिकुलर प्रोटीन को या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो थे वो अभी तक इनएक्टिवेट थे, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब साइटोकाइनिन ने जब इसको रिस्पॉन्ड किया तो अब वो पर्टिकुलर प्रोटीन गई और G2 to M ट्रांजिशन या जो एंजाइम इन्वॉल्व था उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। जब उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया तो ईजिली ये जो इवेंट था G2 से M फेज में जाने का वो प्रोसीड हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये जो साइटोकाइनिन मॉलिक्यूल है हर फंक्शन परफॉर्म करता है।
ठीक है। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो केवल ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, एक तो बैक्टीरिया से लिया गया है, दूसरी बात है एक इनपुट होगा एक आउटपुट है। अगर पूरा ओवरऑल देखें तो जो मेम्ब्रेन पर काम हो रहा था वो एज अ इनपुट है, ठीक। जैसे आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर में वो ही तो आपको स्क्रीन पर दिखता है, सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी है। क्या कि साइटोकाइनिन ने इसे कोई सिग्नल दिया इनपुट, राइट। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट के थ्रू गया, राइट। फिर इसके बाद सेकेंड कंपोनेंट के पास पहुँचा जिससे अब रेस्पॉन्ड करना है। तो रेस्पॉन्स में इसने क्या, जितने भी साइटोकाइनिन से रिलेटेड या साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सिव जीन थे वो सारे एक्टिवेट हो गए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और आज फाइनली ये तीन प्लांट हार्मोन हमारे फिनिश हो गए, ठीक। अब जो बाकी है उसमें एक इथाइलिन है और दूसरा एब्सिसिक एसिड, दोनों ही जितने अभी आपने पढ़े वो ग्रोथ प्रमोटर के एज अ यूज़ होते हैं, ठीक है। जबकि अब जो आप एब्सिसिक एसिड पढ़ोगे, ठीक, वो हो या फिर इथाइलिन हो, दोनों ही एक ग्रोथ इनहिबिटर के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन फिर भी स्ट्रेस हार्मोन, एबीए को तो स्ट्रेस हार्मोन ही कहते हैं, राइट। खैर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।